सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि बाइट स्टूडियो पे एक ऑप्शन रहता है जिसमें लिखा है न्यू व्यूवर्स। आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिखाई देता है जिसमें लिखा है न्यू व्यूवर्स। जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई देगा। आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। ग्राफ के नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा वीडियो का ऑप्शन और वीडियो के नीचे आपको दिखाई देगा शॉर्ट्स का ऑप्शन। इसके बाद जब आप यहाँ सुपर सेलेक्ट स्क्रॉल करने के तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा टॉप कंटेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे टॉप कंटेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इन सभी ऑप्शन का क्या मीन्स है और यह सभी ऑप्शन बाइट स्टूडियो के अंदर किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यानी कि न्यू व्यूवर्स की पूरी जानकारी को समझने के लिए केवल आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब से संबंधित मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला था कि न्यू व्यूवर्स का क्या मीन्स होता है और यह बाइट स्टूडियो के अंदर किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसकी पूरी जानकारी समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग समझा, तो आपको यहाँ पे क्या प्रोसेस करना है इसके लिए आपको यहाँ से आना बैक। देख लीजिए, मैं बैक आ चुका हूँ। आपको सेम इस प्रकार से यहाँ से आ जाना बैक। बैक आने के बाद आपको अपना बायोट स्टूडियो ऐप को यहाँ से ओपन करना। देख लीजिए, मैं अपना बायोट स्टूडियो ऐप यहाँ से ओपन कर लिया। सेम इस प्रकार से आपको अपना बायोट स्टूडियो ऐप को ओपन करना है। इसके बाद आपको अपना बायोट स्टूडियो का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे व्यूज पे क्लिक करना। देख लीजिए, आपको फर्स्ट नंबर दिखाई देगा व्यूज का ऑप्शन, आपको यहाँ पे व्यूज पे क्लिक करना। देख लीजिए, मैं यहाँ पे व्यूज पे क्लिक कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर साइड आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको तीसरे ऑप्शन कंटेंट में क्लिक करना। देख लीजिए, मैं तीसरे ऑप्शन कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं, मैं पे कंटेंट पे क्लिक कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। तो देख लीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई देंगे। चार ऑप्शन आपको कौन कौन से दिखाई देंगे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल का, सेकंड ऑप्शन है वीडियो का, तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट्स का और चौथा ऑप्शन है पोस्ट का। तो आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना। देख लीजिए, मैं ऑल पे क्लिक कर लिया। आपको फर्स्ट ऑप्शन ऑल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यू व्यूवर्स। आप देख लीजिए, आपको फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यू व्यूवर्स का। तो आपको यहाँ पे न्यू व्यूवर्स में क्लिक करना। देख लीजिए, मैं यहाँ पे न्यू व्यूवर्स में क्लिक कर लिया। तो आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई देगा। आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई दे रहा। तो यह न्यू व्यूवर्स का आपको ग्राफ दिखाई देगा। तो न्यू व्यूवर्स का क्या मीन्स होता है, पहले इसका मीन्स समझा दो। तो न्यू व्यूवर्स का मीन्स वो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई चैनल हो गया, जैसे मेरा चैनल होगा टेक्निकल अवनीश। तो जो कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करेगा, यानी कि फर्स्ट बार मेरी वीडियो को देखेगा, उसे बोलते हैं न्यू व्यूवर्स। यानी जो कोई ऑडियंस हमारी वीडियो को पहली बार देखता है उसे बोलते हैं न्यू व्यूवर्स। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा वीडियो का ऑप्शन। इसके बाद सेकंड नंबर आपको ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्ट्स का ऑप्शन। यानी कि यदि कोई व्यूवर्स हमारी वीडियो को देखता है, यानी यदि कोई ऑडियंस हमारी लॉन्ग वीडियो को देख के हमारे चैनल पर आता है, तो आपको यहाँ पे वीडियो के ऑप्शन पर आपको यहाँ पे व्यूज दिखाई देगा। इसके बाद यदि हमारे कोई ऑडियंस हमारे शॉर्ट्स वीडियो को पहली बार देख के हमारे चैनल पर आता है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट्स पर आपको काउंट दिखाई देगा। यानी कि ये जो लॉन्ग वीडियो को देख के हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा, तो आपको वीडियो पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद यदि वह शॉर्ट्स वीडियो को देख आता है, तो वहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा टॉप कंटेंट। आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉप कंटेंट। यानी कि आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो भी आपके व्यूवर्स है, तो वह व्यूवर्स किस वीडियो पर कितना ज़्यादा, यानी कि न्यू व्यूवर्स आए, यानी कि किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा न्यू व्यूवर्स आए हैं, इसका मतलब ये होता है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा लास्ट 28 डेज, यानी कि लास्ट 28 डेज में आपको सुपर दिखाई देगा सबसे वाली फर्स्ट वाली वीडियो पे 4.2, यानी कि 4200 व्यूवर्स हमारे फर्स्ट वाली वीडियो पे यहाँ पे इस वाली वीडियो से आए हैं। इसके बाद आप यहाँ से 90 दिनों चेक कर सकते हैं कि 90 दिनों में हमारे किस वीडियो पे सबसे ज़्यादा न्यू व्यूवर्स आए हैं। देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा टॉप कंटेंट का आपका ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा न्यू व्यूवर्स आए हैं 90 दिनों में। इसके बाद आप इस वीक में चेक कर सकते हैं कि आप वीकली चेक कर सकते हैं कि हमारे एक सप्ताह पर हमारे किस वीडियो पर न्यू व्यूवर्स आए हैं। इसके बाद आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ से मंथली बाई मंथली आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे किस मंथ में न्यू व्यूवर्स किस वीडियो पे आए हैं। इस प्रकार से आप मंथली बाई मंथली यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे किस वीडियो पे कितने न्यू व्यूवर्स आए हैं। इसका मीन्स यही होता है कि हमारे किस वीडियो पे कितने न्यू व्यूवर्स आए हैं। यानी कि न्यू व्यूवर्स का मतलब यही होता है कि हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम विजिट करता है, यानी कि हमारे चैनल पर जो भी हमारे चैनल की वीडियो रहती है और जो कोई भी ऑडियंस हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आता है, तो उसे बोलते हैं न्यू व्यूवर्स। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो में कुछ पूछना है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो जब तक के लिए थैंक्स, बात फिर अगली वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।